हेलो लोगों, दोस्तों मेरा नाम अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप भी उससे लेन देन करते हैं या कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसका जो भी डिटेल्स या मैसेज है आप अपने ईमेल पे मंगाना चाह रहे हैं, यानी जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया सारा उसका ब्यौरा आपको आपके ईमेल पे मिलने लगेंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने ईमेल पर जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसका सारा डिटेल्स मंगाना है। यानी आप जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे सारा नोटिफिकेशन आपके ईमेल पर आते रहेगा, आप वहाँ से अपना इजीली चेक कर पाते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहता हूँ। तो जो कुछ यहाँ पर करूँगा सारे मोबाइल की मदद से ही करूँगा, यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए ताकि मैं अच्छी तरह से आपको बता सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर और हमें जाना पड़ेगा अपने एक्सिस बैंक के एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पर अपने इस एप्लीकेशन को टैप करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन है और ठीक उसके सबसे नीचे आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया। दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें क्रेडिट कार्ड पर ही अपना काम करना है। तो हम यहाँ से दोनों से किसी में क्लिक करके अपना लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल का एम पिन डालना है, जो कि हम नया एप्लीकेशन बनाते हैं तब हमें डालना पड़ता है। तो हम यहाँ डाल लेंगे। डालने के बाद में सिंपली हमें क्या करना है, इसे ओके कर देना। तो जो है एम पिन फटाफट हम यहाँ पर डाल लेते हैं। डालने के बाद में हम लॉगिन हो जाएंगे अपने आईडी में। आईडी में लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर सबसे नीचे में आपको देख सकते हैं चार ऑप्शन शो कर रहे हैं, 1 2 3 4। चार में सबसे लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप कॉर्नर में देख सकते हैं, सबसे किनारे में लेफ्ट साइड में दिख रहा है जो ऑप्शन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है ताकि आप यहाँ से अपना जो भी एक्टिवेशन करना है यहाँ से कर पाएंगे। तो हम क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्टिव ई स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इस जो ऑप्शन को मैंने मार्क किया है इस वाले पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट हम बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट इसको क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी हमने ऑलरेडी यहाँ सेलेक्ट कर रखा है, नाम लिख के रखा है, ईमेल आईडी लिख के और टिक मार्क रख दिया। आप भी अपना ईमेल आईडी लिख के यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिएगा और नीचे एक्टिवेट जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जो भी आपके पास अपना ईमेल आईडी होगा उसको ध्यान से डाल लीजिएगा। और आपको अपना फिर से जो लॉगिन के लिए एम पिन डाला था आपने जब इस ऐप को लॉगिन किया था, वही एम पिन को डालना है। यानी जो आपका एक्सिस अकाउंट का एप्लीकेशन ओपन करते समय एम पिन डालते हैं वही पिन डालना है आपको जो 6 डिजिट का है। तो यहाँ पर हम फटाफट डाल लेते हैं। डालने के बाद सिंपली यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे। तो चलिए हम डाल लेते हैं फटाफट। डालने के बाद हमने कंफर्म कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ई स्टेटमेंट सक्सेसफुली हमारा एक्टिवेट हो चुका है। और इसी तरह से हम अपने मोबाइल से घर बैठे 2 से 4 स्टेप को फॉलो करके इजीली हम स्टेटमेंट मंगा सकते हैं अपने ईमेल पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ।